श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज हिमाचल के दौरे पर हैं पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश के 3 अलग अलग हिस्सों में 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके के दौरे पर रहे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। आप आज शुरू करेगी पदयात्रा, आम आदमी पार्टी आज पदयात्रा शुरू करेगी। वहीं चूंकि सीएम केजरीवाल जेल में है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की मंत्री आतिशी 15 अगस्त को सरकार की ओर से झंडा फहराएंगी। आज होगी भगवंत मान की कैबिनेट बैठक। 5 महीने बाद आज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर जालंधर उपचुनाव के चलते एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है। अब सितंबर महीने के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जाना है, जिसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। आज देश भर में मनाया जाएगा विभीषिका दिवस। आज देश के विभाजन का विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान विभाजन के तथ्य से जनता को रूबरू कराया जाएगा। जगह जगह पर देश के विभाजन से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भोपाल में आज निकलेगी 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज भारत वर्ष की विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। 30 किलोमीटर की इस यात्रा में सैकड़ों मंचों के माध्यम से भोपाल की जनता द्वारा तिरंगा थामे राष्ट्र प्रेमियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया जाएगा। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आवेदन आज से शुरू। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। नीट यूजी 2024 में पास होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हिट फिल्म स्त्री का स्वीकल स्त्री 2 आज सिनेमा घरों में रिलीज होगा। बता दें पहले ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले ही रिलीज किया जाएगा। आज सर्व हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये रैली दोपहर 2 बजे महासभा कर निकाली जाएगी। आज सर्व हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये रैली दोपहर 2 बजे महासभा कर निकाली जाएगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1862 में आज ही के दिन बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। साल 1935 में आज ही के दिन सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कानून बना था। साल 1947 में आज ही के दिन भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। साल 1957 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का जन्म हुआ था। साल 2011 में आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।